नमस्कार, संजू के किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पनीर। दूध को फाड़ के पनीर बनाएंगे। उसके बनाने के लिए हमने ये 1 लीटर से कुछ कम दूध ले लिया है और इसको फाड़ने के लिए विनेगर या नींबू का प्रयोग करेंगे हम, उससे फाड़ेंगे। इधर एक बर्तन पे हमने कॉटन कपड़ा, ये साफ कपड़ा है, इसे रख लिया है। और ये कटोरी में विनेगर ले लिया है, 2 चम्मच विनेगर है। आप नींबू से, 1 नींबू से भी 1 लीटर दूध फाड़ के पनीर बना सकते हैं। ये दूध 1 लीटर से कम है, हमने गैस पे रख दिया है पकने के लिए। इसे बॉयल आने देंगे। देखिए ये बॉयल आ गया है, उबल गया है दूध अच्छे से। अब गैस के फ्लेम को हम बंद करेंगे और नीचे उतारेंगे इसे। ये नीचे उतार के रख लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और 1 मिनट रुक जाएंगे। उसके बाद हल्के हाथों से इसे चलाएंगे। 1 मिनट हो गए, ये देखिए हल्के हाथों से हमने चला दिया है। और जो बाकी बचा था विनेगर उसको अब डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे विनेगर को डालेंगे। आप नींबू के रस से बनाए तो उसमें नींबू के रस को निचोड़ लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उससे दूध को अच्छा सा पनीर बना सकते हैं दूध से। ये देखिए थोड़ी देर डाल के हमने थोड़ा हल्के हाथ से चला के 2 मिनट हमने छोड़ दिया। इस तरह से पनीर बनके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा पनीर बना हुआ है, कोई शिकायत नहीं इसमें। और इधर हम डाल देंगे पानी उस पर। एक बड़े कपड़ा ले लिया, वो छोटा कपड़ा लग रहा था पहले का, दूसरा कपड़ा हमने रख लिया। और इसमें हम डाल देंगे सभी दूध को और चारों कोने पकड़ के इसे उठा लेंगे। और ये जो नीचे पानी बचा हुआ है, आप इसको यूज करना चाहें तो कढ़ी वगैरह में यूज कर सकते हैं, और नहीं यूज करना चाहते तो हटा दीजिए क्योंकि इसमें विनेगर पड़ा हुआ है। और नींबू के रस का होता है तो अच्छा लगता है, उसे यूज करना आसान होता है, लेकिन इसे विनेगर है, नहीं यूज करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। और इसमें हम जो खट्टापन होता है उसके लिए हम ये एक टोकरी ले ली है नेट वाली, और इसमें हम डाल दिए हैं कपड़े को। और उसमें हम पानी डाल डाल के इसे पनीर को अच्छे से साफ कर लेंगे क्योंकि इसका जो खट्टापन है वो निकल जाएगा। अच्छा फ्रेश पनीर हमारा बनके तैयार होगा। आपने सारा पानी निचोड़ लिया है और एक प्लेट में रख के इस तरह से एक नीचे थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, इस तरफ जिस तरफ हमने पनीर रखा हुआ है उस तरफ नीचा कर दिया है। और ये जो रोटी बनाते हैं चकला, उसको हमने रख दिया है। इसे 2-3 घंटे के लिए रख देंगे इस तरह से। जो एक्स्ट्रा पानी इसमें होगा वो भी आसानी से निकल जाएगा। आप इस पर, ये चकला नहीं तो कोई भारी बर्तन कुछ भी रख सकते हैं। ये 2 घंटे बाद इतना सारा पानी निकल गया है। अब इसे देखते हैं किस तरह से पनीर बनके तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छा पनीर बन गया है। और इसे आप फ्रिज में रख दें तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के बनाएं, या फिर इसी तरह से आप इसकी सब्जी वब्जी जो भी बनाना चाहते हैं वो बना के खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा पनीर बनके तैयार हुआ है। ज़्यादा समय भी नहीं लगता, सिर्फ इतना समय लगता है कि हमें दूध को बॉयल करना होता है, बाद में पानी निकालने के लिए एक्स्ट्रा 1-1.5 घंटा रखना पड़ता है। इसे हम काट के आपको दिखाते हैं किस तरह से अंदर से भी है पनीर। एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे, एक चाकू लेंगे, इस तरह से कट करेंगे, देखेंगे। और बहुत ही अच्छा, हॉट भी नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है, मीडियम हमारा पनीर बनके तैयार हुआ है। अगर आपको पनीर खाने का मन कर रहा है तो बहुत जल्दी पनीर आप इस तरह से घर में बना सकते हैं। देखिए बहुत ही परफेक्ट पनीर बना हुआ है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि साइड में लगे जो बेल का आइकन है उसको भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जो भी नई रेसिपी की वीडियो आएगी आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। और इसी तरह से पनीर बनाइए, खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, अपने त्यौहार में स्पेशल पनीर की कोई भी नई रेसिपी बना सकते हैं। पनीर कई प्रकार से बनाया जाता है। इसके लिए, लाइक के लिए धन्यवाद।